गजब और मजे की बात सारे क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट थे सारे क्वेश्चन काफी डायरेक्ट थे मतलब इजी भी था इस बार का पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी था नाउ फाइन तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का थ्योरी यू हैव मेरी एडवाइस है कि आप लोग अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की थ्योरी ओपन कर लो हेलो तो अगर कुछ चीजें याद नहीं होंगी तो हम थ्योरी को रेफर करेंगे और आंसर्स निकालेंगे क्या बोलते हो guys yes sir okay so you can open your theory now so maine theory open kar liye hain and this is the august 21 paper 50 questions usme se first question jo tha wo house property ka tha second question house property ka tha third question was income from business and profession okay अब सबसे पहली चीज तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि third question was income from business and profession. लेकिन अपने को पढ़ के कैसे पता चलेगा कि कि ये ये पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है है क्योंकि आप ये करो कि you are giving this exam, आप करो में हो ठीक है? Theory बहुत थोड़ी-बहुत ऊपर नीचे लेकिन पहचानो तो सही हेलो पहचानोगे नहीं तो चैप्टर याद नहीं आएगा चैप्टर याद नहीं आएगा तो आप उसके क्लॉज बराबर सेक्शन याद नहीं आएंगे तो आप सॉल्व नहीं करते ठीक है ना तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन थर्ड क्वेश्चन जरा फटाफट देखते हैं रेड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड परचेज मोटर कार फॉर फोर्टीन लैक ऑन फर्स्ट नवंबर टू एंड यूज द सेम विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंडी बराबर तो परचेज डेट अपने लिए नहीं अपने हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेपरेबल

Right? तो कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी चाहिए 20. जब तक आप ये फिगर पे नहीं पहुंचोगे ना बराबर है तब तक आप करंट ईयर का डेप्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते ओके?

अरे समझा यस सर फोर्थ अब आ जाओ ग्रीन लिमिटेड इज लोकेटेड इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ बिहार अब मेरी बात सुन रहा पहला लाइन ग्रीन लिमिटेड लिमिटेड मतलब कोई कंपनी है यस इज लोकेटेड इन अ नोटिफाइड एरिया इन द स्टेट ऑफ बिहार इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी

ठीक है एक महीने बाद मतलब करंट ईयर में कितने के लिए किया? 12 हो वो है। लेकिन 11 हुआ। acquired, अभी जरूरी पड़ेगा डेप्रेसिएशन है तो फिर हम सिक्स इट ऑल्सो अक्वाइड न्यू मशीनरी फ्रॉम चेन्नाई मशीन चेन्नई से खरीदी

बराबर अब देखो 32 AD का डिडक्शन है ही नहीं अबॉलिश हो चुका है बराबर है तो आंसर नील है इसका कोई डिडक्शन नहीं अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स है ना जब मशीनरीज वगैरह की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उनको लगता है डिप्रीसिएशन है डिप्रीसिएशन है डिप्रीसिएशन है कहीं पे कहीं पे डिप्रिसिएशन पूछा है क्या नो no. नो no. अच्छा डेप्रेशन का सेक्शन क्या है सेक्शन थर्टी टू थर्टी ये थर्टी टू एडी की बात कर रहे हैं थर्टी टू ओल्ड कंसेप्ट था बराबर है वो हो चुका है पहले ये बेनिफिट था लेकिन अब ये बेनिफिट्स नहीं है तो करंट ईयर में आपको 32 AD का कोई नहीं है, removed, sorry, so ये प्रोग्राम लॉन्च किया था उन्होंने चार स्टेट्स के लिए अपटव तो, आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना और वेस्ट बंगाल ये चारों गवर्नमेंट के हिसाब से इंडस्ट्रियली बैकवर्ड थे तो इंडस्ट्रियली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ना ठीक है एक्स्ट्रा फिफ्टीन परसेंट डिडक्शन दिया था प्लांट एंड मशीनरीज पे विथ सम टर्म्स सॉरी टर्म्स एंड कंडीशन बराबर लेकिन अब सेक्शन थर्टी टू एडी नहीं रहा तो आपको इस साल कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन थर्टी एडी इट इज निल हेलो समझ में आया यस सर यस अब सर हमको कैसे पता चलेगा तुम तो बकवास कर लोगे उ बिलको टू कंटिनो की थर्टी टू एडी अबॉलिश हो गया अपनी बुक्स ओपन करके देखो कभी कहीं पे थर्टी टू एडी पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा है।, तो ये है ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ब्राउनी प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड मत आगे कंपनी है हेलो बराबर ब्राउनी प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड पेड रुपीज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड टू मार्टिन उसने फोर लैख्टी थाउजेंड मार्टिन को पे किया कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस मतलब कोई तो भी कॉन्ट्रेक्ट दिया था काम वाम करने का उसका फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ब्राउनी ने पे किया तो एक्सपेंडिचर किसके लिए है अरे हु इज बेरिंग दी एक्सपेंडिचर जल्दी बोलो गाइस ब्राउनी के लिए अरे बराबर है इट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स 1% फ्रॉम द एक्सपेंडिचर बराबर ए इट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स क्या मतलब होता है ये टीडीएस टीडीएस ब्राउनी ने टीडीएस डिडक्ट किया 1% पेमेंट करने के टाइम पे क्योंकि मार्टिन को इनकम है और आपको टीडीएस पता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में 1% बराबर फ्रॉम फॉर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके टाइम मतलब आउट ऑफ फोर लैख्टी वन लैख्टी पेड हाउ मच इज लेफ्ट पेमेंट थ्री लैख एंड डिड नॉट डिडक्ट टैक्स ऑन सब्सिक्वेंट पेमेंट

सर उसने जो टीडीएस चैप्टर है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का टीडीएस का सर ओके okay. आप इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अच्छा चलो टीडीएस बोलेंगे तो हम टीम <coughs> में टीडीएस लिख देता हूं बराबर टीडीएस में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 194 सी है एम आई करेक्ट यस सर लेकिन यहां पर कहीं पे ये थोड़ी बोला है कि कितना टीडीएस कटेगा ये थोड़ी बोला है कि कितना टीडीएस नहीं कटेगा उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मच ऑफ द एक्सपेंडिचर वुड बी एडेड टू इट्स इनकम नाउ मतलब कितना अच्छा एक्सपेंडिचर एडेड टू द इनकम इसका मतलब इनकम बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी इंक्रीज हो तो ये लोग ने पूछा है कितना डिडक्शन नहीं मिलेगा तो लॉजिकली तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहे हैं अब देखो अगर आपको याद होगा तो सेक्शन फोर्टी एट नो डिडक्शन अलाउड पड़ा था हमने बता दूंगा टेंशन ना लो डी फोर लैख फिफ्टी ओके नहीं डी डी ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फोर लैख फिफ्टी उसको पेमेंट करना था हेलो हा की ना सर मार्टिन को उसने वन लैख फिफ्टी पे वन परसेंट टी डी एस डिडक्ट किया लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बाकी का जब उसने थ्री लैख पे किया ना तो उसने टीडीएस ही नहीं डिडक्ट किया बराबर है अब आपको पता है टीडीएस नहीं काटने का पनिशमेंट क्या है थर्टी परसेंट ना अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी पढ़ा था ना कि अगर आप किसी को आउटसाइड इंडिया पे करते हो पेमेंट करते हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड हेलो यस लेकिन अगर आप किसी रेसिडेंट को पेमेंट करते हो बराबर किसी रेसिडेंट को और उसका टीडीएस नहीं काटते हो बराबर है ना तो आपको थर्टी परसेंट एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड है बराबर नहीं सर हम लोग को तो याद भी नहीं हम लोग ने ये किधर पढ़ा था आ जाओ रूल्स वही अप्लाई कर पाएगा जिसको क्वेश्चन में ये समझ में आता है कि मुझे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल नोट्स में नोट बता दे तो जगह याद आ जाएगी शायद कहा देखो सेक्शन फोर्टी एट पेमेंट मेड टू एनआरआई और पेमेंट मेड टू रेसिडेंट अब उस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि मार्टिन नॉन रेसिडेंट है बराबर है तो मार्टिन हम क्या मानेंगे जब कुछ नहीं बोला होता तो रेसिडेंट मानते हैं इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं तो देखो एनी पेमेंट मेड टू रेसिडेंट विद डिटिंग बराबर है तो आपको सीधा क्या करने वाले में अच्छा वन लाख फिफ्टी में से टीडीएस काटा है तो इसको छोड़ दो इसमें से बराबर टी लाख का थर्टी परसेंट कितना होता है नाइनटी थाउजेंड दिस इज आंसर एक-एक क्वेश्चन को रिवीजन के टाइम पे इतना 5-5 मिनट लगा रहे हो तुम अग्री यस yes, सर तो ये सेक्शन 40 ए का सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा था बराबर मतलब इसमें एक्चुअली टीडीएस भी याद रखना है आपको क्योंकि नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कि वन परसेंट कैसे लिया बराबर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 194 सी में देखो अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है तो 1% है चल तो फाइव क्वेश्चन पहले पेज में पांच क्वेश्चन थे तीन क्वेश्चन तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के थे अब आ जाओ पे। ठीक है? तो मैंने आपको आपकी बीमारी बता दी बीमारी यह है बिफोर गेटिंग इनटू द सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको यह समझ नहीं आता ये कौन से हेड का है हेड के बाद उसके अंदर कौन सा सेक्शन मतलब कौन सा रूल्स लगेगा आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो चलेगा क्वेश्चन में कोई आपको सेक्शन नंबर बहुत जल्दी से पूछ नहीं रहा हेलो पढ़ के आपको रूल्स लिंक होने चाहिए तो ही आप टेक्स को सॉल्व कर पाओगे बराबर अगर आप हेडवाइज पढ़ रहे हो ना दोस्तों तो सीधे सीधे सबको याद रहेगा सब पेजेस अगर आप नोट्स ये भी आता है यार ये 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 भी 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 आता ये भी आता भी आता है 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 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते ये स्टूडेंट की सबसे बेसिक प्रॉब्लम है

याद नहीं है ना बराबर है या तो उसको ऑप्शन से देख के याद आएगा यार कुछ तो भी ऐसा पढ़ा है या फिर वो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए अब मैं आपको बता दूं सेक्शन फोर्टी एक्शन फोर्टी है कैश पेमेंट अगर आप कैश पेमेंट अप टू 10000 करते हो तो वो खर्चा अलाउड है लेकिन अगर 10000 के ऊपर का एक्सपेंडिचर है और अगर आपने कैश पेमेंट किया तो वो अलाउड allowed... नहीं है नहीं है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे थे हमने जिसमें 10000 के ऊपर का कैश एक्सपेंडिचर अलाउड है कुछ याद आया गोल्डन रूल्स करके पढ़ा था यस नहीं याद आ रहा आओ ये रहा देखो कैश पेमेंट ये देखो फोर्टी ए थ्री सीधा सेक्शन बोल दिया बराबर है अब बोलो क्या पूछ रहे हैं चलो आपको ये तो याद आ ही गया होगा ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज फॉर दिस अलाउंस कौन सा एक्सपेंडिचर नीचे चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा अगर आपने कैश पेमेंट टेन थाउजेंड के ऊपर किया तो बराबर नाउ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द सेक्शन फोर्टी ए सबसे तो अब आपको है ना एक्सेप्शन भी याद होनी चाहिए जो तो हमने पढ़ी थी बातें ये बातें करके मैंने आपको कोर्ट दिया था इन केसेस में आप बैंक्स को पेमेंट कर रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट्स कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट कर रहे हो आप उस दिन किसी को पेमेंट कर रहे हो जिस जिस दिन बैंक हॉलीडे है तो आप टेन थाउजेंड के ऊपर कैश पेमेंट करोगे तो अलाउड है आप उस जगह पे पे कर रहे हो जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है हेलो टेन तो थाउजेंड yes. के ऊपर पेमेंट करें चलेगा आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स को पेमेंट कर रहे हो तो टेन थाउजेंड के ऊपर तो oh, तो बराबर है कोई एम्प्लॉई को आपने अगर टूर पे भेजा है जो अपने नॉर्मल प्लेस पे नहीं है बराबर है पंद्रह दिन से ज्यादा तो आप उसको कैश पेमेंट में सैलरी टेन थाउजेंड के ऊपर कैश में पेमेंट करोगे तो चलेगा कुछ याद आया yes. तो आपको है ना नीचे चार ऑप्शन दिए हैं आपको ये बताना है कि कौन से केस में आपको कैश पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा देखते हैं एक कहता है पेमेंट मेड इन कैश टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्सीडिंग टेन थाउजेंड बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा यस yes, मिलेगा तो ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि अपने को नहीं मिलेगा चाहिए बराबर है ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो डिस नहीं अलाउंस है

ये दिदक्ष्यें दिदक्ष्यें मिलेगा मिले। कि नहीं मिलेगा मिलेगा मिले। रिटायरमेंट बेनिफिट और कंपनी छोड़ के जा तो रहे तो पचास हजार तक अलाउड है कैश में। ये भी अपना किसी सप्लायर को उससे कोई गुड्स खरीदे होंगे और उसको आपने पेमेंट किया है टेन थाउजेंड के ऊपर ट्वेंटी टू थाउजेंड बताओ डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अब मालूम है यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सर डिपॉजिट ऑफ कैश डायरेक्टली इनटू द बैंक है हमने तो बैंक में डाला है तो पहला पॉइंट आया ना पेमेंट मेड टू बैंक ओए वो पेमेंट मेड टू बैंक नहीं हुआ तो आपने किसी के बैंक अभी मैं अगर आपके बैंक में जाकर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करूँ तो मैं पेमेंट बैंक को कर रहा हूँ कि आपको कर रहा हूँ अकाउंट होल्डर

सेक्शन अभी तक तो ऐसी मुझे 1718. देखो, मैं पढ़ रहा हूं. एक को, कौन सी लाइन पढ़ के उसके दिमाग में क्या आना चाहिए ठीक है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अंडर सेक्शन माई गॉड ये क्लिक भी ना हो तो भी पता चल जाए बट मुझे एक चीज बताओगे क्या क्या लिखा हूँ मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीन खरीदी कौन से ईयर में सत्रह अठारह अपना करंट ईयर कौन क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आज से दो तीन साल पहले एंड इट क्लेम्ड वन फिफ्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर डिडक्शन और भाई साहब ने उस साल में डिडक्शन ले भी लिया यस yes. पूरा डिडक्शन ले लिया है पूरा हाँ बराबर है

ऑन सिक्सटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब भाई किया और उसका डिडक्शन भी उस साल में ले लिया अरे बराबर है बेचा गाइज क्या कर रहे हो बिजनेस एंड प्रोफेशन है या कैपिटल गेन है मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार हाँ, अब देखो सिंपल का ही पार्ट है यहां पर अब हो रहा है हाँ, दोनों है है ठीक दोनों अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने कैपिटल एसेट पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था हम लोग ने ब्लॉक एसेट सिस्टम में क्या कहा था कि या तो डेप्रिसिएशन आएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन या फिर कैपिटल गेन आएगा हेलो अच्छा अब है ना इसमें गेन कैलकुलेट करना है आपको बराबर है तो फॉर्मेट क्या है आपका गेन कैलकुलेट करने का अच्छा सबसे पहले बताओ ब्लॉक सिस्टम फॉलो करोगे कि सिंगल सिस्टम सिंगल सिंगल एसिड सिस्टम फॉलो करना होगा अरे बराबर है सर ऐसा क्यों ओए नोट देखो सेक्शन थर्टी फाइव पे इतने स्लो स्लो चलेंगे ना अपन ये देखो नोट फोर करके लिखवाया था मैंने अपने शुभ हाथों से लिखा है आपने अपने शुभ हाथों से इफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज सोल्ड देन कैपिटल गेन में अराइज कैपिटल गेन में रेफर सिंगल एसेट सिस्टम हेलो मैंने अभी नहीं लिखा आपके लेक्चर के टाइम पे लिखा था मैंने यस yes, yes. लिखा है ना आप लोगों ने भी नोट फोर हाँ सर इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना यस yes. तो अब कैपिटल सिंगल सिस्टम के हिसाब से तो अब अगर आपका दिमाग नहीं चलता है सिंगल तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए फॉर्मेट क्या था मालूम है बैलेंस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 माइनस सेल प्राइस आपको फिगर आ जाएगा

फिफ्टी 150%, परसेंट 150 इस बार आपके इसमें नहीं है आपके तो 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 मैं अगर पकड़ के चलो है तो है है पूरा पिछले में में ले लिया अप्रैल तो, का बैलेंस क्या जीरो जीरो बराबर है? तो सेल प्राइस कितने इसका मतलब इस गेन मतलब प्रॉफिट है या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शुक्र मनाओ इन्होंने कैपिटल गेन या बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं पूछा अगर यहां पे स्पेसिफाई करते ना तो तुम भी और भी गड़बड़ करके आते सर क्यों इसके लिए आप सिंगल एसेट सिस्टम पे चलो 32 पे आओ सिंगल एसेट सिस्टम जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सारे सम भी सॉल्व किए थे यार ये देखो सिंगल एसेट सिस्टम ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 लेस सेल प्राइस। अगर आपको नेगेटिव आया तो सटक जी लटक जी या फिर डिप्रिशिएशन रिकवरी मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों हो सकता है yes, लेकिन मालूम है सटक जी लटक जी कब होगा जब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट कॉस्ट प्राइस प्राइस होगा बराबर है मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचना चाहिए था स्टैंडर्ड है आओ तो मुझे लगता है कैपिटल गेन भी हो सकता है और बैलेंस हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाल देंगे बराबर अब जिनको याद नहीं है ना दोस्तों सिंगल एसेट सिस्टम के बाद है ना हमने पूरा एक सम किया था इसे चारों केसेस पढ़े थे हम जरा रेफर करना बराबर अब कैपिटल गेन कब आता है व्हेन सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस तो 5 लाख है हेलो यस yes. और बेचा हमने 4 लाख में है तो इधर तो लॉस दिखेगा आपको

इंस्टिट्यूट ने किया नहीं मैं यहाँ पर लिखता हाउ मच इज टैक्सेबल अंडर दियर कैपिटल गेन तो आंसर नील आता यस बराबर है और मैं ऐसा बोलता हाउ मच इज टैक्सेबल इन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो आंसर 4 लेकर आता बट ये भाई साहब ने बिजनेस एंड प्रोफेशन और, और कैपिटल गेन का नाम नहीं लिया ऐसे बोला हाउ मच इज टैक्सेबल फोर लेकर तो वैसे भी टैक्सेबल हाँ जी सिंगल एसेट सिस्टम आपको फॉलो करना होगा

10th September 2019, पिछले साल साल में 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 आता है बराबर अपना current year क्या है बराबर अपना क्या तो तो बेचारे हर साल, तो आपको जगाने के लिए लास्ट लिखते हैं मतलब महादेव yes. okay. भाई ने पिछले ही साल में अपना धंधा बंद कर दिया ठीक है तो आगे क्या रोट रोट ऑफ ऑफ रुपीज टू लैख सेवेंटी ड्यू फ्रॉम शंकर इन द प्रीवियस <laughs> कोई मुझे इस लाइन का मतलब बता दो जल्दी यार फटाफट 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 सर शंकर मुझे अगर रोट ऑफ नहीं समझ में आता ना तो मैं इतना समझ जाता कि शंकर से दो लाख सत्तर हजार रुपए लेने थे उसे राइट ऑफ कर दिया इस और वो भी कब सत्रह अठारह में पहले धंधा बंद किया बिजनेस इन नाइनटीन ट्वेंटी उंट वॉज ड्यू फ्रॉम टू इस बैक सेवनटीन एटीन तो ये बैडेट्स राइट ऑफ कर दिया बैड वॉज अलाउड एज डिशन मुझे इस पे ही ज्यादा फोकस पिछले साल में उस साल में नाइनटीन ट्वेंटी में उसको डिडक्शन मिल गया मिल गया डिडक्शन अलाउड हाँ तो सर उसका क्या In the tax okay. Now in March 21, अब भाई में आ जाओ। March 21 2021। मतलब 90,000 देने लाख सत्तर लेकिन हम मिल नहीं रहे थे तो दो हजार में कुछ भी करके हम लोग से नाइन था जितना मिले उतना अच्छा हेलो या नहीं होगा टैक्सेबल होगा सर कैसे होगा ना हाँ तो हर बार बैडेट रिकवरी क्या टैक्सेबल होता है नो डिडक्शन लिया था डिडक्शन ah. लिया था डिडक्शन लिया एडिट्स रिकवरी का डिडक्शन मिल चुका है पास्ट में तो फिर उसकी रिकवरी टैक्सेबल होगी अगर क्वेश्चन कहता कि पास्ट में उसको डिडक्शन नहीं मिला तो रिजल्ट टैक्सेबल भी नहीं होता बट तो इस बार उसको तो पूरा बैडिट्स का डिडक्शन मिला तो 90000 इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस ओ अभी देखो 90000 इज टैक्सेबल अदर सोर्सेस भी लिखा है है ना अदर सोर्स नहीं जाएगा ये बिजनेस का बैडिट्स था तो बिजनेस में जाएगा रिकवरी हेलो सर आपने ये चीज कहां पढ़ाई थी भाई ए पिताजी बर्फी सी बी बता दो तो क्या थियोरी आ जाओ बता ही देता हूं देख ही लो मतलब अपने नोट्स एकदम परफेक्ट है भाई ये रहा ये देखो बैड डेट्स रिकवरी लिखा भी था इनकम इफ बैड डेट्स अलाउड अर्लियर एज डिडक्शन बी मतलब से इनकम मानी जाएगी अरे बीआई मतलब टैक्सेबल ना हेलो यस yes, बराबर दो तो पार्ट्स में लिखा है नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर तो नॉट टैक्स बट अलाउड एज डिडक्शन तो टैक्सेबल बराबर हाँ जी सर एकदम चिंगुस चिंगुस और इजी इजी क्वेश्चंस थे डॉक्टर कमलेश पाई अब डॉक्टर है भाई साहब इज अ कार्डियक सर्जन अच्छी बात है ग्रॉस प्रीवियसिटेशन थर्टी थर्टी थाउजेंड हेलो नहीं पता चल रहा है कि क्या है वो कार्डियक सर्जन है इसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन ही हुआ क्योंकि डॉक्टर को जो सर्जरी करके या जो उनको फीस आ रही है उनके लिए यस सर ओके आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं अपने को अभी तो पूछा है कि उसका टर्नओवर 336 लाख 40 है ही वांट्स टू डिक्लेयर हिज इनकम एज पर एप्लीकेबल प्रिज़म्पटिव प्रोविजन उसको बराबर है अपनी इनकम पे प्रिज़म्पटिव टैक्स के प्रिज़म्पटिव टैक्स क्या था कुछ yes, याद है यस सर 44एबी सेक्शन 44एडी सेक्शन 44ए सेक्शन 44एडीए अड्डा यस पर यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं बोला है कौन सा सेक्शन अप्लाई कर दू भाई एडीए यस yes, क्योंकि प्रोफेशनल है सेक्शन फोर्टी फोर एडीए एप्लीकेबल बराबर है हेलो तो क्यों सेक्शन फोर्टी फोर एडी बराबर है बिजनेस के लिए था एनी बिजनेस अदर देन ट्रांसपोर्ट बिजनेस फोर्टी फोर ए ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए था और फोर्टी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए था डॉक्टर इज अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स बराबर है तो बताओ इन्होंने नहीं पूछा, पूछा डिट दिन होगी तो भाई, कितनी इनकम डिक्लेयर होगी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट इनकम मान ली जाएगी बराबर कितना होता है एटीन लैख ट्वेंटी एटीन लैख ट्वेंटी इज योर आंसर इतना सिंपल था हेलो बराबर है सेक्शन फोर्टी फोर एडीए एप्लीकेबल होगा थर्टी सिक्स लाख फोर्टी का फिफ्टी परसेंट लेना था लेकिन याद तो आना चाहिए कि एडी है एडीए है हाँ जी हांजी जी हाँ जी जी टेन टेन रामनाथ हैज फोर हैवी गुड्स व्हीकल्स बराबर ग्रॉस बडी ट्रक्स थी वही मतलब है ट्रक ट्रक कर लो आप। और एक-एक का बराबर ग्रॉस लेडन वजन क्या था थर्टीन थाउजेंड किलोग्राम बराबर है मतलब थर्टीन टन के हजार किलो का एक टन होता है हेलो यस बराबर है एंड वन लाइट वहीकल छोटी मोटी कोई गाड़ी होगी लॉरी ग्रॉस वेट लेस देन ट्रे ट्राम किलोग्राम से कम वजन है इसका। अब सर इन्होंने फिर 12, क्यों लिखा? नाउ कोई मुझे बताएगा ये ये पढ़ के कौन से की फीलिंग आ रही है, yes, again, ये है Heavy vehicle का वहां पर डेफिनेशन क्या था मालूम है?

लेकिन इस बार का पेपर बहुत डायरेक्ट था गाइस बहुत डायरेक्ट था बराबर हाँ तीन चार क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आते हैं पचास में से जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते या वो चैप्टर्स हम प्रोफेसर स्किप करने के लिए कह देते हैं कि वो एक मार्क के लिए इतना सब कुछ पढ़ना बराबर है मतलब वर्थ नहीं। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं लेकिन इस बार की खास बात क्या में हमेशा है ना मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे कहा था कि फर्स्ट एक फर्स्ट दो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स का दम तोड़ देता है वो नहीं होना चाहिए लेकिन इस बार फर्स्ट क्वेश्चन से ही बहुत अच्छा फ्लो गया है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आ जाओ तो 44 ए याद है क्या आप लोग को yes, हाँ जी नोट्स में बता दू आपको इतना तो सब पढ़ पढ़ के खिचड़ी कर दिया आप लोगों ने ये देखो प्रेजेंटिव मैंने कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स ही बनाए थे फोर्टी फोर एडी एडी ए देखो इनकम देख लो आप ये फोर्टी फोर ए है जो प्रीवियस क्वेश्चन था बराबर ऑफ यस अब फोर एडी देखो गुड्स गुड्स कैसे होते है ग्रॉस वहीकल वेट एक्सीड्स ट्वेल्व थाउजेंड के जी मतलब ट्वेल्व टन के ऊपर वजन होगा तो ऐसी तो उसके पास चार गाड़ियां हैं जिसका वजन तेरह हजार के जी है हेलो yes. तो उसका इनकम क्या मानेंगे थाउजेंड रुपीस पर टर्न पर बराबर yes. है पर मंथ और अगर अदर वे वेहीकल्स हुआ तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर वेहीकल पर वेहीकल अग्री आ जाओ कैलकुलेशन करें अच्छा अच्छा फोर्टी फोर ए में एक कंडीशन और है फोर्टी फोर ए कब एप्लीकेबल होता है जब ओनर के पास मैक्सिमम कितने वहीकल्स हो

Yes. PT, PM, है ना? तो देखो थाउजेंड रुपीज पर टन इनटू पर टन थाउजेंड रुपीज तो ले लिया पर टन मुझे बताओ ये गाड़ियों की वजन क्या थी मोर देन थर्टीन यस थर्टीन नहीं नहीं थर्टीन थाउजेंड बराबर है तो थर्टीन टन्स हेलो यस पर मंथ तो पूरे बारह महीने यूज हुआ है परचेज तो दी नहीं पर व्हीकल कितनी गाड़ियां हैं आपके पास फोर बराबर है तो थाउजेंड इंटू थर्टीन इंटू ट्वेल्व इंटू फोर करो जल्दी सिक्स लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंडी फोर सिक्स बराबर है अच्छा ये तो हैवी व्हीकल्स के लिए हुआ अब लाइट व्हीकल टफ क्या है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर तो के लिए 7, so 12 का डेट दिया नहीं है हम सोचेंगे यूज किया परल vehicle. कितनी one. So one नहीं भी लिखते तो चलता है बट मैं अपने फॉर्मुला को कंटिन्यू कर देता तो so बोलो कितना टोटल तो, अच्छा, टर्न ओवर का क्या करने का कुछ नहीं, आजुछ नहीं।, आजुछ नहीं।, आजुछ नहीं। पे तो एक्चुअल टर्न ओवर से क्या लेना देना चलो लेवंथ क्वेश्चन अब लेवेंथ क्वेश्चन देखो जरा अगेन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तेंथिल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म ओके Consisting of two partners with equal share. ये और मुझे नहीं पता कौन साबल होगा ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर ने पांच पांच लाख रुपए किए हैं बोथ आर वर्किंग पार्टनर

एंड बैलेंस ए सिक्सटी लाख का टोटल टर्न ओवर था और टेन लाख कैश में रिसीव हुआ तो मतलब क्या होता है? 50 50 50 लाग? 50 लाग. है। बराबर पे चेक, जब तक मैंने ये सेकंड लास्ट लाइन और थर्ड लास्ट लाइन नहीं पढ़ी ना मुझे क्या लग रहा था मालूम है B. B होगा में मुझे भी यही लगा कि कितना मिलेगा deduction? और ये बराबर yes. लेकिन आगे इन्होंने प्रिजम्प्टिव वर्ड देकर फोर्टी फोर एडी दे दिया देखो एडी ए सॉल्व किया डी सॉल्व करो तो है ना इसमें फोर्टी फोर बी एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्या बात कर रहे हो आओ बताओ तुम्हें अंडे का फंडा ये देखो ये सेक्शन फोर्टी फोर है हेलो yes. यहां पर देखो ये देखो सेक्शन फोर्टी बी अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी पेड टू दार्टनर्स डिडक्शन नॉट अलाउड नॉट अलाउड तो फोर्टी फोर एडी बोल के ना ये जो ऊपर इतना पकाया इन्होंने एटीन परसेंट टेन थाउजेंड सैलरी यूजलेस हो गया बराबर है फोर्टी फोर एडी में इनको इनकम बताना है हाउ मच इनकम बराबर विल बी कंसिडर तो फोर्टी फोर एडी अगर आपको याद होगा तो मैं तो पहले सिक्सटी लाख लिख लेता हूं सिक्सटी लाख टर्नओवर हेलो यस इसमें से कैश में कितना मिला टेन लाख टेन लाख और बाकी का फिफ्टी लाख बैंक से अब मालूम है रूल्स क्या कहते हैं इधर भी एक गड़बड़ है प्लीज सुनना रूल्स क्या कहते हैं कितनी इनकम माननी चाहिए सर ये देखो एस्टिमेटेड इनकम एट परसेंट ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ओवर कितनी इनकम मानी जाएगी टर्न ओवर का एट एट परसेंट लेकिन आगे क्या लिखा है चाहिए? 6 तो can you tell me answer क्या होगा? 3, 8, 8, 8, 8. इसके ऊपर कितना लेंगे आप? 6 6 6 और इसके ऊपर अरे हाँ क्वेश्चन खुद बोल रहा है 10 कैश में मिला है yes, yes. तो आपका आंसर क्या होगा लेट परसेंट एटी थाउजेंड और फिफ्टी का सिक्स परसेंट थ्री लाख टोटल आंसर शुड बी थ्री लाख एटी है क्या ऑप्शन में नहीं ये भी गड़बड़ है बराबर यहां पर ऑप्शंस रॉन्ग है अग्री अब मालूम है उन लोगों ने क्या कर दिया जो ऑप्शन है वो है इन्होंने पूरे सिक्सटी लाख पे एट परसेंट जो अपना आंसर आ रहा हो तो है भी नहीं तो सर क्या हमने रॉन्ग किया नो हमने राइट ही किया है अपना रूल्स बराबर है मैंने इसलिए आपको थियोरी भी दिखा बराबर बट हुआ क्या है मालूम है ये क्वेश्चन ये जो सिक्स परसेंट है ना ये अमेंडमेंट था पहले सब पे एट परसेंट ही था लेकिन उन्हें उन्हें हो सकते। नहीं था, है। तो सर हमारी तो बैंड बच जाएगी एज ए स्टूडेंट हम थोड़ी इतना कॉन्फिडेंस में रहेंगे हाँ तो आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना अगर आपका आंसर मैच नहीं होता ना तो पहले और वो ऑप्शन नहीं है अगर आप श्योर है कि आपका आंसर करेक्ट है थ्री तो फिर आप लोग है ना पूरा यूज करके देख लें सर अभी के तो एग्जाम है तो अमेंडमेंट बहुत सारे आएंगे अरे लेकिन ये भी अमेंडमेंट भी ही था हाँ सर ये अगस्त ट्वेंटी वन में वो रूल था सिक्स परसेंट वाला बट क्वेश्चन को चेंज नहीं किया इन्होंने कोई और पिछला पुराना क्वेश्चन उठा के छोड़ दिया चलो कोई बात नहीं 12. तो सर हमको आ, 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 तो फिर सर हमको ऐसे छोड़ रूल अप्लाई किए जो आपके दिमाग में थे जो आपने पढ़े हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उसके आंसर मैच नहीं हुआ बराबर है तो आपको एज अ स्टूडेंट फीलिंग आएगी कुछ तो भी गड़बड़ गया लेकिन आप है ना इसी पे स्टिक रहोगे तुमने यही पढ़ा है बराबर है ये, तो अगर आप श्योर हो कि आंसर ये है मैंने जो किया है वो बराबर है तो आप लोग है ना थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लो यार 60, ये कौन सा आंसर आ सकता है तो लाख पे पूरा लेके लेकिन एज स्टूडेंट आपके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे ओल्ड रूल पता है आपको ओल्ड रूल थोड़ी पता है कि आज से दो साल पहले क्या रूल्स था तो हम लोग पढ़ा रहे तो हमको पता है बराबर तो बेनिफिट ऑफ डाउट है इसमें मार्क्स मिल जाने चाहिए बराबर बट सर उन लोगों ने गाइडलाइन आंसर में तो आंसर मिल दिया है मतलब कुछ नील कैसे होगा जब ऑप्शन नहीं नहीं मतलब ने वहां पे ही नहीं दिया ऐसे भी एक लिखा है, कि इसका भी नहीं है ऐसा करके आंसर दिया कर, गाइडलाइंस तो तो पे मार्क्स देंगे ना हम करेक्ट करके आ जाएंगे कुछ भी आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा अरे ऐसा नहीं है राजा इसमें ऑप्शन तुम कैसे अच्छा ये तुमको गाइडलाइन देख के पता चला ना की है यस सर गाइडलाइन एग्जाम देने से पहले आता है कि बाद में आता है बाद में तो अभी मान लो कि आप ये एग्जाम दे रहे हो तो आपके सामने ऑप्शन में नील कहाँ है यू आर इन द एग्जाम हॉल राइट नाउ ऐसा अज्यूम करो ना हाँ सर फिर उन्होंने नील नहीं लिखा होगा आंसर ही नहीं दिया होगा क्योंकि उनको पता है थ्री लैक एटी हाँ मतलब सर नील नहीं दिया सिर्फ ऐसे डॉट डॉट तो किया है, है तो बेचारे क्या करेंगे ट्वेल्थ

बताओ पेटेंट पे कितना परसेंट होता है? 25. 25 yes. हाँ, तो 100 है. A, answer. तो 100 मतलब करोड़. पे 25 ले ले क्या ट्वेल्व पॉइंट फाइव से हावी परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बट गाइस उन्होंने उस पेटेंट को यूज़ कब से शुरू शुरू करना शुरु किया? फोर्थ ऑक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी के बाद मतलब लेस देन डेज तो सिक्स मंथ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट लगे हा कि ना ये yes. बोलो कितना होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड इज दंसर अग्री टीन मंजुला एट सिक्सटी टू एक मिनट ये कैपिटल गेन है बाद में करेंगे नीचे ऑप्शन से ही पता चल रहा है सटक जी लटक जी फोर्टीन चलो अब उसके बाद सीधे सम नंबर फोर्टी पे आ जाओ अब नंबर फौर्टी ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का जल्दी आ गए यस ओके नाउ एक्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ टू लैक्स ट्वेंटी लैक्स फॉर अ प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अपना करंट ईयर उसका टर्नओवर है टू टू ट्वेंटी लाख बराबर है फेल टू फर्निश टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 फोर ए बी भाई साहब ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की हाउ मच कुड बी लेविड अ पेनल्टी ऑन द असेसी फॉर द फेलियर फर्निश ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44, भाई साहब पेनल्टी कितनी लगती है फोर्टी ए बी कहां पड़ा है ऑडिट का सर हाँ ऑडिट बिजनेस में वन करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला गया तो ऑडिट इज कंपलसरी और, yes. कंपल और प्रोफेशन में फिफ्टी लाख के ऊपर टर्नओवर चला गया तो ऑडिट इज कंपलसरी ये भाई साहब का टर्नओवर ओवर टू ट्वेंटी लाख है मतलब अप्रोक्स टू करोड़ के ऊपर चला गया यस yes. तो ऑडिट करवानी थी भाई साहब ने ऑडिट ऑडिट करवाई नहीं कितनी पेनल्टी लगेगी आप किसको पेनल्टी याद है यस सर कितनी है मैक्सिमम वन लाख एंड जीरो पॉइंट सर नीचे नीचे है फोर्टी फोर्टी फोर फोर डबल ए ए बी बराबर ना पेनल्टी नोट नंबर टू देख सकते हो आप अपने बुक्स में भी देख लो जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट ऑफ टर्नओवर एंड वन लैख फिफ्टी बीच इज लोअर तो हम लोग नो नोटवर्ट तो नहीं ऊपर का मेन मेन सेक्शन ही रिवाइज मार्ट हैपी बर्थडे होगा तो देखो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर डाइज तो कहने से जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टू ट्वेंटी लैक्स हेलो वन लैख टेन यस वन लैख टेन थाउजेंड और मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी विच एवर इज लोअर तो बताओ कितना पेनल्टी लगेगा बी वन टेन इज चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पे आ जाओ सीधे तो चलो अब फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन है अगस्त ट्वेंटी वन में टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन आए थे ट्वेल्व मार्क्स के लिए।

of the the firm is chargeable to income income tax for the assessment year barabai, business income jayega, taxable याद होगा तो बराबर एग्रीकल्चर इनकम ये देखो कॉफी में दो कंसेप्ट है दो प्रोसेस हुआ है ग्रोन एंड क्योर एग्रीकल्चर इनकम सेवेंटी फाइव परसेंट माना जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग इनकम ट्वेंटी फाइव परसेंट

तो क्या करेंगे तो देखो एज अ स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं मैन्युफैक्चर को चारों प्रोसेस पकड़ता ग्रोन तो लिखा ही है पयर्ड ग्राउंडेड एंड रोस्टेड एंड आई वुड हैव कंसीडर्ड 60 एंड 40 बराबर तो 8 लाख ,00 इनकम है 60% एंड 40% बराबर 60% तो एग्जम्प्ट है क्या ही कैलकुलेशन करना 40% कितना होगा करो बोलो लाख का ट्वेंटी थाउजेंड बराबर तो थ्री लाख ट्वेंटी इज योर ऑल ऑफ यू समझा ठीक है तो ये था लास्ट क्वेश्चन अगस्त ट्वेंटी वन का थैंक यू वेरी मच दिसंबर ट्वेंटी वन शुरू करेंगे